तो अब जो है ट्वेल्थ क्लास, जब अभी हम लोगों ने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी वर्नर्स थ्योरी, जब वर्नर्स थ्योरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कुछ समय बाद जाके लिमिटेड हो गई, कुछ चीज़ें प्रूव नहीं कर पाई, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जो हम लोगों ने पढ़नी है। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ना लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे, इसकी एप्लीकेशंस कैसे आती है, मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा कि कोई भी कंपाउंड है उसका आप मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो आप इसकी हेल्प से इस वीडियो के बाद आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीख पाएंगे इजिली। हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसकी, और इसका ज्योमेट्रिक शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि क्या होगा, वो बता पाएंगे आप। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ये बताओ, कलर और कलरलेस है ये बताओ, ये तो ये शो कर पाओगे। और एक इसमें ना क्वेश्चंस इसके है कि हाइब्रिडाइजेशन नेम, ज्योमेट्रिकल शेप, ये चीज़ आ जाती है। एक क्वेश्चन आपका है जो इम्पोर्टेंट 4, 5, 6, 7 ये चार एग्जाम्पल्स हैं जो कि पेपर में आने के हाईली चांसेस हैं। एक 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन करके क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर 9 का 7th एग्जाम्पल है आई गेस, वो करना है आप लोगों ने बहुत अच्छे से। और एक आपका 4th एग्जाम्पल है, वो आप लोगों ने करना है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पहले वीवीडी समझ लेते हैं कि है क्या। वीवीडी के हिसाब से ये थ्योरी ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जब भी कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, द मेटल आयन, जो मेटल आयन है वो प्रोवाइड करता है लिगेंड्स के लिए ऑर्बिटल्स, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है कि जिसमें लिगेंड्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो ये बात सही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि जितनी जगह खाली होगी उसके अंदर उतने ही उसमें बॉन्डेड हो सकते हैं एटम्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका वो होता है जिसमें आपका एनडी ऑर्बिटल यूज हो। एनडी ऑर्बिटल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को ये पता है कि 3D सीरीज है आपकी, ठीक है। अगर कोई वीक लिगेंड आएगा तो वो डी के अंदर पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो आपका ऑब्वियसली आपको 4s यूज करना पड़ेगा और 4p यूज करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो 4d का भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में ये वीक लिगेंड जो है, क्योंकि पेयरिंग 3D की नहीं करा पाता है, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट एनडी वाला यूज करते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल यूज करते हैं। इसको n-1 बोलते हैं और इसको एनडी ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये एनडी ऑर्बिटल का यूज होता है, तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला गया, ठीक है, वीक लिगेंड्स की वजह से। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो आपका फॉर्म्ड होता है, इनर मतलब ये इसको अंदर की तरफ धकेलता है। तो जब आपका n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है या आपका स्ट्रांग लिगेंड्स जब यूज किए जाते हैं, तो उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। तो ये आपका ये चीज आ गई वीबीडी के अंदर। ये चार पॉइंट्स आपने लिखने हैं अगर वीबीडी के ऊपर अगर आ जाए क्वेश्चन, 2 मार्कर का 3 मार्कर का, तो ये उसके भी आप पे है। लिमिटेशन जो थी वीबीडी की वो ये थी, एक तो ये मैग्नेटिक डेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी जो आपका नेचर में है पैरामैग्नेटिक कैसे है, डायमैग्नेटिक कैसे है, तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज हो जाती है, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो कलर जो है कि कलर कौन सा होगा, कलर कैसे आएगा कंपाउंड्स में, वीबीटी वो भी नहीं बता पाया था। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी वजह से हमारी डिसअप्रूव हुई। तो ये आपको पूरा ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग वो जो एप्लीकेशन इसका पढ़ना है मैं आपको वो सिखा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। NiCN4 2- है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखना आना चाहिए हम लोगों को, ये हमने सीखा है। पहले मेटल आटम ये नहीं है, तो लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स का नाम क्या है, टेट्रासाइनिडो, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ओके। क्योंकि ओ क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव वैलेंसी है, -1 होता है इसका चार्ज, CN- लिखते थे ना, तो CN- मतलब एक वैलेंसी है, -4 है। अब इसको कैसे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर निकल लिखेंगे, निकल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए होता है X, ये तो हो गया -4, और ये जो चार्ज है ना बेटा, ये जो ऊपर चार्ज आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 के इक्वल लिखते, लेकिन अगर क्योंकि ऊपर चार्ज है तो -2 के इक्वल लिखेंगे, जो चार्ज होता है वो इज इक्वल्स टू में आता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू -2 + 4, एक्स इज इक्वल्स टू +2 आ गया, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अच्छा अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया, अब ये सब निकालने के लिए हम लोगों को पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का।
तो सेंट्रल मेटल एटम निकल किस पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए यार। इसके एटॉमिक नंबर्स नहीं याद है तो आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन पहली 3D सीरीज का आपको लर्न होना चाहिए। तो निकल का आता है 28 होता है इसका। तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था अभी, 3p6, 4s2 और इसका आ जाएगा हमारा 3d8। ये चीज़ आ गई है। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना था, 2 था। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब ये 2 प्लस बनाएगा, तो 26 आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होते हैं, कौन बताएगा? तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिमूव होंगे वो एस से होंगे, क्योंकि एस बाहर वाला है। तो 3d8 और 4s0, ये चीज़ आ गई यार। ओके, अब 4s0 को मैंने बाहर इसलिए लिखा क्योंकि 3d का फ्रेंड है 4s, तो वो पहले क्योंकि आउटर मोस्ट था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, ये एज इट इज रहता है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब ये 3d8 है। अब आप इसके लिगेंड्स को देखो, लिगेंड कैसा है इसका, स्ट्रांग, CN आपका स्ट्रांग लिगेंड है। आपको मैं ये स्ट्रांग लिगेंड्स की 7 नाम है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। पहला आता है कार्बोनाइल, CO, CN- EN, NH3, EDTA4- माइनस ये, और NCS और वाटर, ये 7 है, आपको लर्न होने चाहिए। ये 7ों के 7ों आपके स्ट्रांग लिगेंड्स होते हैं, इसके अलावा जो भी आएगा वो वीक लिगेंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक आपका ऑक्सालेटो भी है जो वो स्ट्रांग लिगेंड है, ये ध्यान में रखना, इसका 2- होता है वैलेंसी, ठीक है। तो अब ये स्ट्रांग लिगेंड है तो पहले क्या करेंगे, 3d8 कैसा प्रेजेंट है वो देखते हैं। 3d8 आपका ऐसे दिया हुआ है, फिर 4s आता है, फिर 4p आता है, ये बताया था मैंने कि 4s और 4p दोनों के दोनों आते हैं इसके साथ, ये तीनों लिखने होते हैं। 3d8 हमारे पास कैसा है, 3d8 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड है जो आपका CN था, तो इसकी पेयरिंग करवाएगा तो ये अंदर आएगा इधर, कैसा है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अभी हम लोगों ने जो पढ़े थे ना VBT में, वो यही है कि स्ट्रांग लिगेंड्स के आने पे ये इनर की तरफ, अंदर की तरफ चला जाता है। कितने इधर देखो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपके पास 4 है, 4 CN है, तो एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो क्या आई, इसने क्या क्या ऑक्यूपाइड किया जरा देखना भाई। आप इसने ऑक्यूपाई किया है एक डी, एक एस ऑर्बिटल, 2 पी ऑर्बिटल, DSP2। तो DSP2 वाला आप लोगों का यहाँ पे गिवन होगा, आप लोग पेज नंबर अपना NCERT का खोलिएगा, 254। अब DSP2 के बेसिस पे ये आपको बॉक्स याद होना चाहिए, DSP2 वाला जो है वो स्ट्रांग लिगेंड का मैंने बताया था पहले, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप का होगा। तो यहाँ पे इसका जो आपका शेप आ गया वो आ गया क्या, ज्योमेट्रिक शेप जो बनी वो क्या बनी, स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे अब इधर क्या क्या चीज़ बता दी, हम लोगों ने यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक शेप भी बता दी, नेम भी बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, कलर देगा कि नहीं देगा, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, ये बताना है। इसको बनाने के लिए चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को इसका करा देती हूँ। इसमें अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, चलो है नहीं, मैं आपको इसी से बताती हूँ। यहाँ पे देखो पेयरिंग होने के बाद क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली बच रहा है, नहीं है, है ना, तो सबके सब पेयर में है। तो जब सबके सब पेयर में है तो इसका मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और अगर ये डायमैग्नेटिक नेचर में है बेटा, तो डायमैग्नेटिक नेचर में होने की वजह से ये कैसा होगा, कलरलेस कंपाउंड। जो कलरलेस आपका डायमैग्नेटिक होगा, अगर कोई भी, अगर एक भी खाली एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी होता ना, तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और वो कलर दे पाता है। तो यहाँ पे एक कलरलेस कंपाउंड होगा, तो कलर हम लोगों ने बता दिया, मैग्नेटिक नेचर बता दिया, अब बचती है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग इसको म्यू से बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा N+2 और ये अंडर रूट में। इसकी ऐसा यूनिट होती है BM, विच इज बोहर मैग्नेट्रॉन। म्यू इज इक्वल्स टू N+2 है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी था क्या,
बिल्कुल नहीं, जीरो था. तो एन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये जीरो जीरो प्लस टू, मतलब कि पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो ही आ गया. तो जीरो बोर मैग्नेट्रॉन, तो ये मैग्नेटिक नेचर इसका है ही नहीं, कलरलेस है कंपाउंड. तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही कंपाउंड जाते हैं. इसका क्वेश्चन अगर एक करना चाहते हो आप लोग तो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ. आप इसका एक मिनट रुकिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं. देखो भाई, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है कि 14 क्वेश्चन पढ़िएगा. कहता है कंट्रास्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर. अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है तो कैसे करेंगे. अब इसके लिए देखो, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ दिया हुआ है. अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को दिया गया है एक तो आयरन, इसका नाम क्या होगा बोलो भाई, हेक्सासाइनिडो फेरस. आगे फिर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा मेरे ख्याल से ये 2 निकलेगा, तो ठीक है आयरन 2 निकलेगा. और नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो हेक्सा फ्लोरिडो एफ ई का निकलेगा आयरन, फिर 3 निकलेगा यहाँ पे. अब दोनों मैं आपको बता देती हूँ, दोनों का हम लोगों ने मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है और बताना है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है यार, एफ ई का 26 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है. आप लोग पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन वो करने निकालेंगे, या फिर आप इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. चलो एफ ई 226 है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना 6 राइट. ये चीज आ गई. अब इसका जो कॉम्प्लेक्स है मैं किसका निकालना चाह रही हूँ, यहाँ पे गिवन है CN6 और ये 4-, तो इसको निकालने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भाई इसका कॉम्प्लेक्स का एफ ई का इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है. तो CN तो हो गया -6, ठीक है, इज इक्वल्स टू -4. मैंने बताया था जो ऊपर पावर होती है वो -4 में इधर आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू -4 + 6, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 2. तो यहाँ पे 2 प्लस होगा तो ये 24 हो जाएगा. तो 24 में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा 3d6 और ये 4s0 और यहाँ पे 4p0. चलो अब ये पहले यहाँ पे ये बना देते हैं, मैं डायरेक्टली बना रही हूँ बेटा, कुछ भी नहीं है. जो मैंने लास्ट स्टेप में भी करके दिखाया था ये सेम वही वाला है, ये 3d बना दिया, ये 4s बना दिया और यहाँ पे मैंने ये 4p ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है. चलें अब ये 3d6 था आपके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. क्योंकि CN अभी मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो ये इसकी पेयरिंग करवा देगा, तो यहाँ पे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे. तो एक इन दोनों का पेयरिंग हुआ और इन दोनों का ही पेयरिंग हुआ, तो ये यहाँ पे आ गया. अब ये भी खाली है और यहाँ पे ये भी खाली है, कितने CN है यहाँ पे देखो, 6 है. तो तीनों CN यहाँ पे फिल्ड अप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 6 के 6, तो ये आ गया भाई, ठीक है. तो हम लोगों ने किस किस को यूज किया, एक तो D यूज किया, D2 दो D ऑर्बिटल यूज किए, 1s का और 3p के. तो यहाँ पे D2sp3, 6 जब आपके पास D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन आपका है D2sp3 और यहाँ पर इसका जो शेप होगा, ज्योमेट्रिक शेप, वो होगा ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल हम लोगों ने लिख दिया यार, ये आपको वही पेज याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपको फॉरवर्ड बताया था 254 पे, वहाँ लिखा हुआ है. और मुश्किल नहीं है, देखो 6 चीज़ें यूज होंगी तो ऑक्टाहेड्रल आएगा हमेशा, 5 चीज़ें यूज होंगी तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और अगर 4 चीज़ें यूज होंगी या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर. वो डिपेंड करता है कि वीक लिगेंड है कि वो आपका स्ट्रांग लिगेंड है, उसके बेसिस पे टेट्राहेड्रल नाम अगर वीक लिगेंड है तो, और अगर स्क्वायर प्लेनर है तो स्ट्रांग लिगेंड के लिए आएगा, ठीक है. शेप आ गई ऑक्टाहेड्रल, यार शेप हम लोगों ने बता दी. मैग्नेटिक बिहेवियर बताना था कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है. तो यहाँ पे देखो ये पेयरिंग हुई हुई है, तो आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देख रहे होंगे. मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है भाई, मैग्नेटिक बिहेवियर आपका है डायमैग्नेटिक. तो डायमैग्नेटिक वाली चीजें क्या होती है, कलरलेस, तो कलरलेस होगा ये कंपाउंड, दैट्स इट. ये आप लोगों ने शो करना है, लिखना है, खत्म. अब इसी तरीके से आपके पास Fe F6 3- है, ये 6 है बेटा, एक मिनट मैं दोबारा लिखती हूँ, Fe F6 3- ऐसे गिवन है. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको अगर ये बात याद है कि आपके पास 6-7 यहाँ पे थे, 7 आपके पास ये स्ट्रांग लिगेंड्स हैं, इसके अलावा जो भी लिगेंड्स आएंगे वो वीक लिगेंड्स कहलाते हैं. तो ये ध्यान में रखना, ये कैसे है, स्ट्रांग लिगेंड्स हैं. स्ट्रांग लिगेंड्स के बाद
यहाँ पर आपके पास एफ जो है उन सातों में से किसी में भी लाई नहीं करता। कौन कौन से थे मैं दोबारा बताती हूँ। पहले आपके पास कार्बोनल था, फिर आपके पास सी एन नेगेटिव था, ठीक है। सी एन नेगेटिव के बाद आपके पास क्या आया था भाई, सोचो। यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ, एक मिनट। आपके पास इथेन 1,2-diamine आया था, अमाइन आया था, इथेन 1,2-diamine, फिर अमाइन, फिर EDTA4-, फिर हमारे पास NCS था, थायोसाइनाइड, और एक आपके पास फिर वाटर, फिर ऑक्सालेटो C2O4-2-, ये आ गया। तो ये हमारा क्या चीज़ आ जाएगी कि ये आपके पास जो कंपाउंड जितने भी हैं ये सब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए। एफ लेकिन देखो वीक लिगेंड है, तो पहले आप लोग एफ ई का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, निकालिए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा कि कितना आएगा, और मुझे उसके बेसिस पे करके दिखाओ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, क्योंकि 26 होता है इसका, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए अलग हो सकता है, एक्स हो गया, ये हो गया -6। हर बार ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होता डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक बहुत तरीके के ना, एक तरीके के बहुत कंपाउंड जैसे हैं जिनके अलग अलग रूप है, मतलब एक बार +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक बार +2 है, एक बार +3 है, एक बार +4 है, +7 तक जाते हैं ये। तो ये हर कंपाउंड के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। एक्स माइनस सिक्स आ गया इज इक्वल टू -3। यहाँ पे 3 वैलेंसी दे रहा है, ऊपर 2 दे रहा था, देखा था अभी हम लोगों ने। तो एफ ई 3+ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, तो ये 3d5 4s0 बनाएगा, और ये 4p, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड क्या कहता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कहता है कि भाई जैसा है वैसा है। अब यहाँ पे s और यहाँ पे ये p, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों यहाँ पे स्टेबलाइज है, क्योंकि f वीक लिगेंड है तो इसकी पेयरिंग नहीं करवाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जाएगा, मतलब s और p यहाँ पे यूज हो रहा है, और 4d भी यूज होगा अब आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे 6 है, तो d आपका इधर आ जाएगा यार, 5 होते हैं d, ये 4d वाला ऑर्बिटल है, 4s 4p और 4d, ठीक है। तो एक एक एफ इधर जाएगा, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, और 2f इधर, तो ये आएगा sp3d2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या हो गई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, और शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या ये कलरलेस होगा कि कलरफुल होगा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करोगे, चेक करोगे, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, तो ये कलर शो करेंगे। और बोहर मैग्नेट्रॉन में अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आ जाए, तो n+2 ये आ गया, n आ गया आपके पास 5, 5+2 हो गया 7, 7 × 5 = 35, और ये हो जाएगा 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये आपकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, खत्म। इसका मतलब इतना अगर मैग्नेटिक कुछ भी बोहर मैग्नेट्रॉन में मोमेंट में अगर आ रहा है ना, क्वेश्चन पूछे कि इसकी 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन वो है वैल्यू, तो आप बताओ कि इसका क्या रीजन रहा होगा। तो इसका रीजन है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, कलर शो कर सकता है। तो यही एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक बार प्लीज पढ़ना इसको, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड, तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ये यहाँ तक ऐसा होगा इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये एग्जांपल नंबर 7 देखो, इसके लिए कहता है अकाउंट द फॉर द फिनोमिना, कोबाल्ट 2 जो है वो स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, बट कोबाल्ट 3 नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी चेक कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग VBT प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ये जो मैंने अभी करके दिखाया ना आपको रजिस्टर पे, बिल्कुल वैसा ही करके दिखाना है। मैग्नेटिक बिहेवियर उसकी शेप बतानी है, और पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, नहीं है, कलर शो करेगा कि नहीं करेगा वो दिखाना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक नेचर बताओ, तो वही चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब करी, यही सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद देखो यार, यहाँ पे कहता है एक क्वेश्चन आ गया कि 23rd क्वेश्चन है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इज ओनली वीकली पैरामैग्नेटिक व्हाइल इट इज डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, तो ये शो करके दिखाना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा कोई, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बताना पड़ेगा आपको। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, तो वो शो करने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5, 4 है तो 4, तो वो शो करने के लिए जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, तो आपको चेक करने के लिए सेम वही हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल वगैरह बना के sp3d2 करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी अभी मैं समझाऊंगी, तो प्लीज़ इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है पेपर में। और कहता है कि FeCN6 और FeCX जो इनके अलग कलर्स हैं,
तो देखो, अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका सेंट्रल मेटल एटम सेम है लेकिन उसका कलर अलग अलग आ रहा है, तो कलर डिपेंड करता है जितने, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो डिफरेंट कलर होगा, ये ध्यान में रखो, क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर डायमैग्नेटिक भी आ जाए ना बेटा, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज वाई इसका डिफरेंट कलर है। तो आप ये भी लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन वो अगर तीन मार्कर में आए तो पहले आपको शो करना पड़ेगा उसको, फिर दिखाना पड़ेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये सारे सेम है। इसमें आप लोगों को एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 32 क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन अच्छा है, कहते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे आप लोग चेक करो तो सभी के सभी सेंट्रल मेटल एटम चेंज है, सिर्फ लिगेंड्स का फर्क है। NH3 सबसे स्ट्रांग लिगेंड में आ गया आपका, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो स्ट्रांग लिगेंड में आता है वो है वाटर, ये वीक लिगेंड। तो जो सबसे स्ट्रांग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ शो करेगा, इज इट क्लियर? जो सबसे स्ट्रांग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ शो करता है, जो सबसे कम वीक लिगेंड होगा वो बिल्कुल वेवलेंथ बहुत कम शो करेगा। ये इसके लिए ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज चेक करना, ये NCERT का क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से, ये VBD के हिसाब से हम लोग कर रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से हम लोग EG लेवल, T2G लेवल इस तरीके से करके पढ़ते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ, वो भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट में हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में समझेंगे, फिर EG और T2G वाली जो थिंग है वो हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन 3 मार्कर का आने के चांसेस हैं। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के ऊपर बेटा कभी भी कुछ शो हो जाए या बोला जाए कि कलरलेस क्यों है, ग्रीन कलर है, ये सब आप शो करो, तो आपको शो करने के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है हाउ मैनी क्लोराइड आयन्स वाला, ये 48, ये मैंने आपको सुबह फर्स्ट वीडियो में बताया था, हाउ मैनी क्लोराइड आयन्स विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। अब इस क्वेश्चन को 3 मार्कर या 4 मार्कर्स में दिया गया, तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखाना पड़ेगा कोबाल्ट का, और बताना पड़ेगा कि कोबाल्ट के पास, क्योंकि अमाइन एक तरीके का स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये इसकी पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवाने के बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है इस कोबाल्ट के लिए वो 6 हो गया, तो 5 तो NH3 वहां पे आ गए और 1 Cl आ सकता है, तो 6 मॉलिक्यूल्स की तो जगह भर गई, बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो प्रेसिपिटेट होंगे, ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करोगे, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो ये आप लोगों ने जो निकाला ना, ये वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडाइजेशन में अभी आप ऐसे दिखाओगे कि एक स्ट्रांग लिगेंड है जिसके पास 6 ऑर्बिटल्स बचे कोबाल्ट के पास, तो यहाँ पे 5 तक तो अमोनिया फिल्ड हो गया, 1 में Cl फिल्ड करके दिखा देना, और ये लिखना लैंग्वेज में कि 1 में Cl फिल्ड किया हम लोगों ने। अब लेकिन Cl 3 थे, तो यहाँ पे 2 Cl के लिए फिर जगह बच गई है, तो वो 2 Cl जो होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, खत्म बात। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन बी पार्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं असाइन द रीजन फॉर नॉन आयनिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक चीज दिमाग में रखना, अगर आपके पास देख, कोबाल्ट के पास कितना होता है भाई, कोबाल्ट के पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स आ सकते हैं, तो 3 तो अमोनिया आ गए, 3 क्लोराइड आ गए, तो पूरे के पूरे कंप्लीटली फिल्ड हो गए। इसके पास अब एक भी काउंटर आयन नहीं है, अगर एक भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड जब फिल हो जाते हैं और एक भी आयन नहीं बचता, जैसे यहाँ पे तो 2 बच रहे थे ना Cl, तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तब ये आयनिक नेचर का था अगर 2 Cl बच रहे थे, तो क्योंकि बाकी तो 6 ऑक्यूपाइड हो गए, 1, 5 NH3 और 1 Cl ऑक्यूपाइड हो गया था बेटा, लेकिन 1 Cl बच रहा था, तो इसको आयन, इसको 2 Cl बच रहे थे यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने आयोनिक बोला। लेकिन ये वाला नॉन आयोनिक इसलिए है क्योंकि ये सभी के सभी पेयर्ड अप हो चुके हैं, सभी के सभी लिगेंड जो है इसमें कोबाल्ट के MPT ऑर्बिटल्स में फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो इनके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बचेगा नहीं इस कॉम्प्लेक्स के पास, दैट इज वाई इट इज नॉन आयोनिक इन नेचर, तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड द स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये क्वेश्चन आपका NCERT का है, तो आपको पता होना चाहिए। सब क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट लगातार आता जा रहा है, ठीक है, तो आपको अगर पहले की 5-7 मिनट की वीडियो अगर समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने करे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।